कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन होने पर गत 45 दिनों से मनरेगा कामों में भी पूर्णतः रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा कामों को शुरू किया गया है, जिसके चलते ग्रामीण मजदूरों को घर के पास रोजगार मिला है। मनरेगा कामों के शुरू होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य पर काम किया जा रहा है और मनरेगा काम में भी कोरोना बीमारी से बचाव के लिए अपनाए जाने वाले मापदंडों को पूरा किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान शुरू हुए 600 मनरेगा कार्य से जिला हमीरपुर में 2,471 लोगों को घर द्वार पर रोजगार मिल रहा है। वहीं अब सड़क निर्माण से लेकर भवन निर्माण कार्य भी तय मानकों के अनुरूप शुरू हो गए हैं। मेरा नाम पंकज ठाकुर है और यहाँ मिनी सेक्रेटरी का कार्य दोबारा से शुरू हो चुका है और हमारे यहाँ पे 20-30 वर्कर काम कर रहे हैं और हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हैं और हमें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है कार्य करने में। और सुबह हम सैनिटाइज करके काम शुरू करते हैं और हमारी लेबर अच्छे से है, दूर दूर करके हम सोशल डिस्टेंसिंग करके पूरा काम अच्छे से कर रहे हैं। मैं अशोक कुमार, ग्राम पंचायत बेला नदौन, मैं रिपेयर का काम करता हूँ, जैसे थ्रेशर है, बाकी ट्रैक्टर वगैरह का भी काम करता हूँ। तो गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन में हमें थोड़ी सी रियायत दी है, उसका मैं भरपूर फायदा उठा रहा हूँ और लोग मेरे पास काम कराने के लिए थ्रेशर या ट्रैक्टर का काम कराने के लिए आ रहे हैं। हम गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार हैं और हमारा भी काम चल रहा है। मनरेगा मजदूर ओम प्रकाश ने सरकार का धन्यवाद किया है और कहा कि मनरेगा काम को शुरू करने के बाद उन्हें घर द्वार पर काम मिल रहा है। तो हम गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहते हैं, मोदी सरकार का, जिन्होंने दोबारा फिर से ये इतना भारी काम शुरू करवाए हैं। तो जिम्मेदार किसान की हक में है, जो लैंड लेवलिंग का काम चल रहा है बहुत अच्छा है। हमारी ज़मीनें टूटी फूटी हैं तो इसमें हमें फ़ायदा है कि थोड़ा सा हमारी ज़मीन को प्लान करें और इससे हम कुछ फ़ायदे उठाएँ। इससे पहले लॉकडाउन में कोई काम नहीं हो रहा था, इसके लॉकडाउन में कोई काम नहीं था क्योंकि जो वायरस था उसका, जिस खाने की जगह खतरा है सर, उसका कोई पता नहीं था किस किस इसमें अटैक कर जा रहे हैं। ये कहाँ पर हो रहा है काम? ये काम हो रहा है बल्ब में, वार्ड नंबर 2 में। मनरेगा महिला मजदूर ने बताया कि लॉकडाउन के चलते काम बंद पड़ा हुआ था और अब काम शुरू हुआ है, इसके लिए वे सरकार का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमें ये रोजगार दिया और हमें खुशी है कि सरकार ने हमें काम दे दिए और हम जो बेरोजगार लोग थे उनके लिए हमें मतलब जो भी पैदावार मतलब नहीं कर पा रहे हैं तो हमें मतलब इसे कमा कर रोटी मिल सकती है। और हाँ, मैं पंचायत बल से, गांव बल से हूँ, वार्ड नंबर 2 से। इससे पहले लॉकडाउन में काम नहीं हो रहा था क्या? नहीं, अभी तो बंद पड़ा था, लॉकडाउन चला हुआ था तो काम बंद पड़ा हुआ था। तो फिर अब सरकार ने हमें काम दिया तो मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। हम सभी अपने सरकार से मांग करते हैं कि हमें रोज़गार मिला और हम सभी मतलब जो भाई बहन मजदूर हैं वो खुश हैं। बाल पंचायत की मनरेगा मजदूर ममता कुमारी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान काम मिला है और लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को अपने घरों के पास ही काम मिल रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस मुसीबत की घड़ी में उन्हें रोजगार दिया गया है। पहले तो मैं सभी को मतलब नमस्कार करती हूँ और मैं ममता कुमारी, वार्ड नंबर 2 बाल पंचायत से हूँ। और जो लॉकडाउन के बाद हमें काम मिला है, मतलब उससे क्या है कि सभी जितने भी मजदूर हैं वो सभी मतलब इस काम से बहुत ही खुश हैं, क्योंकि बड़ा ही मुश्किल हो गया था, मतलब इन मजदूर लोगों को, मतलब हम मजदूर लोगों को काम नहीं मिल रहा था। तो मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें काम दिया और हम भी घरों से बाहर निकले काम के लिए, क्योंकि बड़ी ही मुश्किल हो गई थी। वहीं BDO हमीरपुर अस्मिता ठाकुर ने बताया कि मनरेगा के तहत हमीरपुर की सभी पंचायतों में काम किए जा रहे हैं और काम के लिए 5 ही मजदूरों का एक क्राइटेरिया रखा गया है और कार्यस्थल पर सैनिटाइजर के अलावा लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाया जा रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी मजदूर करें, इसके लिए ब्लॉक स्तर से लेकर पंचायत स्तर पर कमेटियां गठित की गई हैं जो कि समय समय पर पंचायतों का निरीक्षण कर रही हैं। मनरेगा के अंडर जो हमीरपुर ब्लॉक में काम किए जा रहे हैं वो लगभग हमीरपुर की सारी पंचायतों में शुरू हो गए हैं। ये वर्क जो हैं वो इंडिविजुअल वर्क्स हैं और इनमें जो स्पेसिफिक है वो है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के, जो हम लोग
टैंक वगैरह मनरेगा के अंदर बनाते हैं उनके काम शुरू कर दिए गए हैं, और इन कार्यों के लिए जो हैं वो लेबर की एक लिमिट रखी हुई है कि हम लोग 5 या इससे कम लोग जो हैं वो एक कार्य के ऊपर लगाएंगे। और उसमें ये भी प्रोविज़न किया गया है कि कार्यस्थल पर सैनिटाइज़र होना चाहिए, पानी की बाल्टी और हाथ धोने के लिए साबुन का भी प्रावधान किया गया है। जो भी मजदूर कार्य कर रहे हों वो बिना मास्क के नहीं होने चाहिए, और वो सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो वहाँ पे मेंटेन रखेंगे। इसके लिए जो है वो पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो है वो मॉनिटरिंग कमेटीज़ भी बनाई गई हैं। ब्लॉक लेवल से जो है वो एक नोडल ऑफिसर बनाया गया है जिनको 3-3 पंचायतें जो है वो दी गई हैं। वो डेली बेसिस पे जो है वो अपनी पंचायतों की मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अलावा पंचायत लेवल पे, वार्ड स्तर पे वार्ड पंच जो है वो इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। प्रधान है, पंचायत सेक्रेटरी, और जो हमारे GRS ग्राम रोजगार सेवक हैं या टेक्निकल असिस्टेंट हैं उनको भी ये डायरेक्शंस इशू कर दी गई हैं कि वो जब भी पंचायतों में जाएंगे, जो भी उनका कार्य दिवस वहाँ पे फिक्स किया गया उस दिन जाकर के वो जो भी कार्य उनकी पंचायतों में चले हैं उनके इंस्पेक्शन ज़रूर करेंगे, और ये अश्योर करेंगे कि वहाँ पर जो है वो सैनिटाइज़र भी होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग भी वो मेंटेन करें मजदूर, और साथ में पानी का भी प्रोविज़न होना चाहिए, उनके हाथ धोने के लिए साबुन वहाँ पे होना चाहिए। तो इन लॉकडाउन के जो रूल हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो है वो मनरेगा के कार्य शुरू कर दिए गए हैं। हमीरपुर ब्लॉक में 69 वर्क्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं, जिसमें लगभग 350 मजदूर जो हैं वो कार्य कर रहे हैं। अभी जो है वो इस वजह से भी मजदूरों की संख्या कम है क्योंकि 5 से कम मजदूर जो हैं वो एक काम के ऊपर लगाए गए हैं, और दूसरा ये भी रीज़न है कि हार्वेस्टिंग का सीज़न है तो मजदूर जो हैं वो जो मनरेगा में कार्य करते हैं लोकल लेबर वो वहाँ पे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए। तो जैसे जैसे हार्वेस्टिंग फ्री हो रहे हैं वहाँ से जो हैं वो लोग फिर वो मनरेगा की तरफ आ रहे हैं, तो वहाँ मजदूरों की संख्या बढ़ गई है।